आखिरकार वीकेंड का वार पर जैसे ही सलमान खान बिग बॉस के मंच पर आए, आते ही सलमान खान ने सबसे पहले साजिद खान को गाली देकर ऐसा क्यों कहा कि साजिद तू अपनी जगह से खड़ा हो जा। जी हां, आपको बता दें कि वीकेंड का वार से सलमान खान और साजिद खान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब सलमान खान ने साजिद खान को अब तक की सबसे बड़ी फटकार लगा दी है। और वहीं साजिद खान तो सलमान खान के गुस्से को देखकर हैरान ही हो गए कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई कि सलमान खान सभी कंटेस्टेंट को छोड़कर और पूरे हिंदुस्तान के सामने नेशनल टेलीविजन पर मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि साजिद खान इतना ज्यादा डर गए कि साजिद खान तो शो छोड़ने तक को तैयार हो गए। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड का वार में अब सलमान खान ने साजिद खान को धूल चटा के रख दी है। आखिर क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब एक और पूरा का पूरा हफ्ता खत्म हो चुका है, वीकेंड का वार की शूटिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि सलमान खान ने सीधा सीधा सबसे पहले साजिद खान को खड़े होने के लिए कह डाला और साजिद खान और प्रियंका चौधरी की जो लड़ाई हुई थी उस पर सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। दरअसल आपको बता दें कि घर के अंदर प्रियंका चौधरी को बिग बॉस ने एक टास्क दिया था। बिग बॉस ने प्रियंका को कहा था कि प्रियंका अंकित घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है, तो तुम्हारे सामने जो बजर है अगर तुम इस बजर को बजा देती हो तो अंकित गुप्ता अभी इस वक्त घर से बेघर हो जाएंगे और 25 लाख रुपए इनामी राशि के अंदर जुड़ जाएंगे, और अगर तुम बजर नहीं बजाती हो तो 25 लाख रुपए इनामी राशि से कट जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी ने तो आव देखा ना ताव, सीधा सीधा बजर को नहीं बजाया, अंकित गुप्ता को बचा लिया और 25 लाख रुपए इनामी राशि से घट गए। इसी को लेकर साजिद खान प्रियंका चौधरी पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए थे। ऐसे में वीकेंड का वार पर सलमान खान ने यही मुद्दा उठाया और साजिद खान ने कहा, सर जब मैंने 25 लाख रुपए के बदले सुंबुल टोकर खान को चुना था तो मैं गलत था, प्रियंका चौधरी ने मुझे सारे हिंदुस्तान के सामने उल्टी सीधी बातें कही थी, और अब जब प्रियंका ने 25 लाख रुपए के बदले अंकित को चुना है तो प्रियंका कहां से सही हो जाती है। जिसके जवाब में सलमान खान ने कहा कि साजिद तुमने सुंबुल टोकर खान को सिर्फ फुटेज के लिए चुना था, तुम सुंबुल टोकर खान के वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने अंकित को इसलिए चुना है क्योंकि अंकित उसका सच्चा दोस्त है। तुम्हारे 25 लाख रुपए गंवाने और प्रियंका के 25 लाख रुपए गंवाने में जमीन आसमान का फर्क है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही सलमान खान ने यह बात कही साजिद खान के तो होश ही उड़ गए। ऐसे में अब देखना ही होगा कि सलमान खान साजिद खान को इसी मुद्दे पर और कौन कौन सी फटकार लगाते हुए नजर आ जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इसमें प्रियंका सही है या फिर साजिद खान, हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।